भैया कैमरा वाले सेट करके बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित, अरे भाई वो उनका काम कर रहे हैं, प्लीज जरा सेट कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यही के लोकप्रिय सांसद है, हमारे नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, संभाग के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान हितानंद जी, और आज बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले खजुराहो की इस भूमि पर मातंगेश्वर महादेव को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। 64 योगिनी कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर, उसमें विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तब बुंदेलखंड, जिसने देश की आजादी के लड़ाई में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हमेशा देश को आजाद करने के लिए अपना खून बहाया, वो सभी वीरों हुतात्माओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां पर क्लस्टर के 23,000 बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन है। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत को सुरक्षित कर आतंकवाद से मुक्त करने वाले 10 साल रहे। ये 10 साल भारत की महिला शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल रहे। भाई और बहनों, इसी 10 साल में भारत ने चंद्रमा पर पैर रखा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का चंद्रयान पहुंच नहीं पाया था, वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत के तिरंगे को फहराने का काम भारत के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आज यहां आया हूं तब मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं।
हम 2014 में आपके सामने आए, 29 में से 27 सीटें दी, 19 में आए 29 में से 28 दी और अभी अभी विधानसभा के चुनाव में आए, सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। 19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 400 का आंकड़ा पार कराएंगे। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश का ये प्रचंड विजय आप सभी के पसीने, परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण मिला है। बाकी कोई पार्टी अनेक कारणों से चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण ही चुनाव जीतती है, ये हम सभी का विश्वास है। मित्रों, इस बार मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य भारत के लक्ष्यावधि बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। पर ये मध्य प्रदेश तो राजमाता विजया राजे सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे की भूमि है, ये हमारे संगठन की भूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के कमल की भूमि है। इस बार आप सभी को संकल्प लेने जाने, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे 156 बूथों पर कुछ विजय नहीं मिली, बड़े संतोष से बताते हैं अध्यक्ष जी, विजय की भूख को मंद मत करिए, इस बार सभी बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाना है। कोई बूथ ऐसा ना हो जहां भारतीय जनता पार्टी का विजय न हो। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर जाना है। मित्रों, 10 साल के अंदर हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे बताएंगे। राहुल बाबा, 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था धारा 370 को हम हटा कर रहेंगे, इस देश के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रह सकते, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा था। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बनकर हमारे सामने। हमने वादा किया था सेना के रिटायर्ड जवानों को
वन रैंक वन पेंशन देंगे, मगर कांग्रेस पूरी नहीं करती थी, मोदी जी ने वो भी पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि तीन तलाक को समाप्त कर देंगे, मोदी जी ने मुस्लिम माताओं के बहनों के कल्याण के लिए ट्रिपल तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर रख दिया। हमने वादा किया था कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण माताओं को बहनों को देंगे, मातृशक्ति को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा भी पूरा कर दिया। नई संसद बनी, कर्तव्य पथ बना, महाकाल लोक बना, केदार धाम और बद्री धाम नए बने, सोमनाथ का मंदिर सोने का बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और राम मंदिर पर भी ध्वजा फहरा गई। मित्रों, सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। हमने कहा था कि हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समर्पित रहेगी। हमने 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं बेटियों को सम्मान करने का काम किया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 14 करोड़ परिवारों को नल से जल देने का काम किया और 11 करोड़ किसानों को हमने 6000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। मित्रों, प्रति साल 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने मुफ्त कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। आज कोई भी गरीब बीमार पड़े उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने अब वादा किया है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, हमारा भारत पूर्ण विकसित देश होगा, हमारा भारत महान भारत बनेगा। अगले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल। एक कांग्रेस पार्टी के शासन में 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमला कर भाग जाते थे और मनमोहन सिंह के चेहरे पर जू नहीं रहते थे। पाकिस्तान ने मोदी जी के आने के बाद भी ये किया, उनको याद नहीं रहा कि पूरी भाजपा की आ गई है, कांग्रेस की नहीं है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथ ही महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया, राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी, भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई। एक कांग्रेस वालों को सनातन धर्म का अपमान करे बगैर चैन नहीं पड़ती। एक कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर
भ्रष्टाचार की पर्यायवादी शब्द है। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया, कॉल ब्लॉक, कॉमनवेल्थ, 2G, INX मीडिया, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रेयर डील, आदर्श हाउसिंग, अगस्ता वेस्टलैंड, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला 10 साल में किया। मोदी जी की सरकार के 10 साल समाप्त हो गए, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर कानी पाई का आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, कानी पाई का आरोप नहीं। मोदी जी ने पारदर्शी शासन देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने किसानों के लिए ढेर सारे काम करे। धान में एक धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी करी, 150% पर हमने MSP देने का काम किया और हमने एक के बाद एक हर किसान की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। भाइयों और बहनों, इसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई नहीं पड़ती। एक के बाद एक हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती। अब लोकसभा का चुनाव आया है और लोकसभा के चुनाव में मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल छोड़कर जाता हूं। आपने 10 साल में मध्य प्रदेश को 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया, जोर से बोलिए तो जरा। 1,99,000 करोड़, बोलिए जरा। दिग्विजय सिंह, कान खोल कर सुन लो, सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। इसके साथ 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर तीर्थधाम का हमने विकास करने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने बंटाधार मध्य प्रदेश को, बीमारू मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। आने वाला चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव भारत को महाशक्ति बनाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव भारत को दुनिया में 3रे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। भाई और बहनों, इस चुनाव के अंदर मैं आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने फिर एक बार झोली लेकर आया हूं और अपील करता हूं, 29 की 29 सीटों के कमल नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए। हम मध्य प्रदेश और भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। बूथ का कार्यकर्ता हर लाभार्थी का संकल्प करे, हर युवा का संपर्क करे, हर माता बहन का, हर किसान का संपर्क करे। बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर नरेंद्र मोदी बनकर खड़ा रहे और भारतीय जनता पार्टी के विजय के परचम को लहराए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बूथ पर चट्टान की तरह खड़े रहकर सभी बूथ जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? अरे जोर से हाथ उठाकर बोलो, करते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हर बूथ जीतने के लिए प्रयास करेंगे, 29 की 29 सीटें जीतकर लाएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।
अब की बार आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं।